आज ना अपने फिर से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अपने व्यूअर्स को कि मैंने अभी होंडा पे बात कर रही थी और कि आपको पता है मैंने एक वीडियो डाली थी भाई लास्ट, उसमें रिकॉल का इसमें आया हुआ था, होंडा में बात करी है। सो चलते हैं भाई, सुबह के बज चुके हैं 10:30 हो गए हैं, पहुँचते पहुँचते अपने को 11 बज जाएंगे। देख लो भाई क्या मस्त भाग रही है अपनी CV350 सुबह सुबह। और अपने को ना अभी 2-3 दिन में भाई राइड पे जाना है, सो आपको राइड के नज़ारे भी हम दिखाएंगे, और उससे पहले अपने भाई इसके पार्ट्स चेंज करवा लेते हैं क्योंकि वो चेंज करवाना ज़रूरी है। और अगर आपके पास भी हाइनस या CV350 है तो बताना भाई चेंज करवाया कि नहीं करवाया आपने। अगर नहीं करवाया तो भाई जाके फटाफट करवा लो क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका फेलियर हो सकते हैं भाई सेंसर्स। तो देखते हैं वैसे कौन कौन सा चीज़ें चेंज होएगी, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और गाइस फाइनली होंडा बिविंग चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं, करवाते हैं भैया इसके पार्ट्स चेंज और देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। कुछ पार्ट चेंज करवाना है इसका, रिकॉल के लिए बुलाया था ना, चेंज करवाना है। हाँ कैसे हो भाई? कैसे? बढ़िया बढ़िया। नहीं वो कॉल नहीं की थी, हाँ रिकॉल वाला। फाइनली भाई अपनी बाइक लग चुकी है सामने, और देखते हैं यार जो जो भी काम होगा वो आपको भाई इन्फॉर्मेशन देंगे। फाइनली अपनी CV350 का रिकॉल भाई हो चुका है, 2024 भाई जैन में मैंने ली थी और इसका रिकॉल आया था। सो आज ना अपन भाई इसका रिकॉल करवा के आ रहे हैं। अब बताता हूँ यार आपको भाई क्या क्या चेंज हुआ है। दोनों टायर्स के जो ABS सेंसर थे ना ये डिस्क में, सो ये चेंज हुए हैं। ये देखो ये जो वायर है ना ये वाली, तो भाई ये भी वायर के साथ ही सेंसर अटैच होते हैं, तो पूरी की पूरी वायर और सेंसर भाई फ्रंट का चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। और सेम एज इट इज़ इसमें भाई जो बैक सेंसर्स हैं ये देखो ये वायर जा रही है और इसके साथ ही सेंसर अटैच होता है, तो ये चेंज हुआ है। और उन्होंने भाई ब्रेक ऑयल डाला है, दोबारा डालना पड़ता है क्योंकि ब्रेकिंग बनानी पड़ती है। सो ऐसा कुछ रिकॉल था यार अपनी होंडा CV350 का, तो आप देख ही सकते हैं क्या शानदार लग रही है। सो फाइनली यार आज इसका काम खत्म हुआ, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती यार, एक बाइक बाइक्स में आई थी तो होंडा ने सोचा भी सारों में रिकॉल कर देते हैं। तो और मैं बताना चाहूँगा जो इसका बिल है ना वो भाई ज़ीरो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है क्योंकि दो सेंसर्स चेंज हुए हैं प्लस ब्रेक ऑयल उन्होंने डाला है और ज़ीरो बिल बना है, तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ऐसी कुछ कहानी है भाई, और चलते हैं, शाम हो गई है, सुबह निकले थे। आपके पास भी CV350 हाइनेस है भाई अपने नियरबाय बिगविंग में कॉल करके पता कर सकते हो आप, और अगर पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो भाई फटाफट जाके आप करवा लो। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट होंडा ने रिकॉल किया है तो भाई करवाना तो बनता ही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा भाई। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और बताना भाई वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में अपनी CV350 के साथ।